जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का कैसे आप जो है टोल फ्री नंबर निकाल सकते हैं। यदि आपका एटीएम कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है या टूट जाता है या ब्लॉक कराना है, तो दोस्तों आपको कैसे नंबर निकालना है और कैसे बात करके जो है ब्लॉक कराना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जितने भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक वाले हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, कभी भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, इसके वजह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे तो और सीधा चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। 22 नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, तो भाई आप लोग बने रहें। तो यदि आप लोग टाइप करके देखना चाहते हैं तो आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जैसे लिखेंगे उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपका साइट खुल के आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक कॉर्नर पे तीन लाइनें डॉटें दिखाई दे रही होंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा कस्टमर केयर नंबर और एटीएम ब्लॉक नंबर। तो दोस्तों आपको ऐसे ही कर लेना है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं कैसे आपको देखना है और देख करके आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, हो सकता है कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो भाई ये देखिए, यही है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये देखिए, तो आप लोग नोट कर सकते हैं 1800225110। जी हाँ दोस्तों, इसमें एएम से 6 PM तक दिया हुआ है। भाई ये नंबर आप लगा सकते हैं, यानी 10 से 6 के अंदर आप नंबर लगा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कार्ड ब्लॉक नंबर दिया हुआ है। यदि आपका एटीएम गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, कुछ भी आपके साथ हो, उसे दोस्तों आपको ब्लॉक करने के लिए ये देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ है 1800104455। यानी ये 24 घंटा उपलब्ध है। यानी यदि आपका एटीएम कहीं भी किसी भी समय जो है गायब हो जाता है या गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप किसी भी समय जो है कॉल करके अपना एटीएम ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कॉमन है, हर किसी को जानकारी रखनी है। यदि मान लिया जाए आपका किसी तरह से जो है एटीएम गुम हो जाता है, तो भाई आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो भाई आपको इसे नोट कर लेना है। भाई कॉल उसी से करना है जो नंबर आपके अकाउंट में लिंक है, तभी जो है सॉल्व हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है, और चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।